आ गया आ गया मैच का क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयार भी होंगे। मैं भी हूँ एकदम तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं। मुस्कुराते हुए शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल्स को हमने बारीकी से समझा है 2-3 लेक्चर्स में, तो आज भी पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने 2 क्लासेस में ये पढ़ा था, पीएक्स जीएक्स क्यूएक्स और आरएक्स, ये हमने पढ़ा है। ये क्या है आपको सब पता है? ये क्या है? पी एक्स है हमारा डिविडेंड, जी एक्स है हमारा डिवाइजर, क्यू एक्स है हमारा कोएफिशिएंट और आर एक्स है हमारा रिमाइंडर। तो आप लोगों को ये पता है क्या है? तो आज हम इसे ही लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या होगा जी एक्स पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स कैसे हम निकाल सकते हैं, हम वो देखेंगे। तो आज होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम बारीकी से समझेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करना है और वो होगा पॉलिनोमियल्स के अंदर। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करना है हम उसे बारीकी से समझेंगे। तो चलिए आप अपना कॉपी और पेन निकालिए, तब तक मैं हेडिंग लगा देता हूँ और क्वेश्चंस भी लिख देता हूँ। तो चलिए हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसे हमें इससे डिवाइड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है पहले उसे समझेंगे। डिवीजन तो हम ऐसे भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू, हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम ऐसे नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे हमें वो जानना है पहले। तो हम लिखेंगे पहले पी एक्स को, तो पी एक्स हमारा ये होगा एक्स क्यूब, जो बड़ा होता है वही पी एक्स होगा ना। तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, ये हमें पता है सॉल्यूशन। अब हमें जी एक्स भी पता है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये हमारा जी एक्स है। तो हमें एक रिलेशन पता है कि जी एक्स तो यहाँ होता है, पी एक्स यहाँ होता है, इसे डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्यू एक्स आ जाता है, अगर कोई भी आकर यहाँ पर रिमाइंडर भी आ जाता है, हमें ये भी पता है। तो अब देखेंगे इसे क्या कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से करेंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री को यहाँ लिखेंगे, ये जो है पी एक्स है, और यहाँ पर जी एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू को। तो ठीक है, ये हो गया हमारा जी एक्स, ये हो गया हमारा पी एक्स। तो आप लॉन्ग डिविजन मेथड को कैसे करेंगे हम देख लेंगे। माइनस थ्री है ना, तो मैं ये उठा लेता हूं। अब देखेंगे क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो हमें पहले देखना होगा पहले का क्या है। यहाँ पर है एक्स क्यूब और यहाँ आगे है हमारा एक्स स्क्वायर। तब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम एक्स स्क्वायर को, वो हो जाएगा एक्स क्यूब। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर यही है माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा, तो वो होगा इनटू एक्स। अगर मैंने एक एक्स से उसे मल्टीप्लाई कर दिया
तो यहाँ पर x क्यूब भी बन जाएगा, हमें वही करना है, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, इसे भी तो मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इसी को सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने कर दिया x के साथ मल्टीप्लाई और ये हमारा आ गया जो हमें लिखना है। तो एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया x से और आया हमारा x क्यूब माइनस 2। अब देखना है आपको यहाँ पर क्या है, 2x है, लेकिन इसके बाद में क्या है, x स्क्वायर है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर है हमारा x, तो हम लिखेंगे x को x के नीचे ही जो होगा 2x, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्या हो सकता है, अब देखेंगे यहाँ पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये अब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ आप माइनस लिख दीजिएगा, वही करना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिएगा, यही होगा। अब करना होगा हमें प्लस और माइनस, इस साइन को हमें देखना होगा, इसको नहीं, हमें इसको देखना होगा, फिर हमें सॉल्व करना होगा, ये एक रूल है, ठीक है। अब एक्स क्यूब को हम एक्स क्यूब से ही माइनस कर रहे हैं तो ये तो सीधे कैंसिल हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर है प्लस और प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होता है, ऐड होता है, तो 5 प्लस 2 हो जाएगा 7x, और बड़ा साइन इसका है, 5 का बड़ा साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, अब 3 को वैसे ही का वैसा ही लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप और हमने निकाल लिया दूसरा, अब हम दूसरे स्टेप में जाएंगे। अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें आगे नंबर भी दिख रहा है, माइनस 3 है नंबर, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 3 से, तो ये बन जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और 3 2 जा हो जाएगा 6, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है, आपको ये समझना होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, 3x स्क्वायर ये हो गया, अब देखेंगे प्लस 6, तो यहाँ पर नंबर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 6 को, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस, ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये प्लस और माइनस में है, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर 7x, अब क्या बचेगा, माइनस और माइनस हो रहा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 9। अब साइन किसका ले, साइन होगा यहाँ पर 6 का साइन माइनस होगा क्योंकि यह प्लस नहीं है, हमें इस साइन को देखना होता है, तो हम साइन फ्रॉम द ग्रेटर नंबर जो कि 6 का 6 इन दोनों में ग्रेटर है और 6 का साइन है हमारा माइनस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस। अब तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो यही है हमारा, हमने यहाँ पर भी नहीं लिखा, माइनस 3 को भी लिख लेंगे क्योंकि हमने इसे माइनस 3 से इंटू किया था, इसीलिए यहाँ पर ये आया था। लिखेंगे हम क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 जो क्वेश्चन हमारा आया है, और आर एक्स को लिख लेंगे हम 7x माइनस 9। तो हमने डिवाइड कर दिया इस पी एक्स को क्यू एक्स से, और हमें निकल दिया हमने क्यू एक्स और आर एक्स को। तो आई होप आप लोगों ने इसे बारीकी से समझा होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा पी एक्स और ये हमारा जी एक्स, तो हमें क्या करना है, इसे लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है। तो ये हमारे लिए कैसे सॉल्व करना है, हम जान चुके हैं, एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए
यहाँ पर है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं ऐसे भी, राइट, ये सेम है, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, ठीक है, आई होप आपने समझ लिया होगा ये क्या हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर है प्लस एक्स टू द पावर 4, लेकिन हमारा यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो हमें इसे बनाना होगा x टू द पावर 4। तो ये कैसे बन सकता है, इसे बनाने के लिए हमें माइनस से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है हमारा प्लस, जो कि हमें चाहिए, और x टू द पावर 2 लगाएंगे तो 2 और 2 तो ऐड हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, यही है। तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा माइनस एक्स स्क्वायर से, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो सकता है हम देखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर होता है हमारा एक्स टू द पावर 4, हमें पता है उतना ही है, देखना है। अब एक्स स्क्वायर इंटू 2, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 होता है हमारा माइनस 2x स्क्वायर, ये होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई जगह ही नहीं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इसे साइड में लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं, हम इसे यहाँ पर बाहर लिख लेंगे 2x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, तो अब इसे माइनस करना होगा, ये हो जाएगा हमारा, ये प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, अब इसे उड़ा देना है क्योंकि ये उड़ जाएगा। अब देखेंगे इसे एक्स स्क्वायर को 5x से आगे आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, पॉलीनोमियल का डिग्री 2 है, इसमें 1 है, तो पॉलीनोमियल का डिग्री जो बड़ा होता है वो आगे होता है, तो हम इसे आगे लेकर आएंगे, आगे में होगा ये प्लस होता है, यहाँ पर इसका साइन अब बदल के ये हो जाएगा प्लस, अब यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर को, ठीक है, माइनस 5x प्लस, ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब एक्स स्क्वायर ये भी ठीक है, तो हमें बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर कैसे बन सकता है, इंटू 2 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। अब इस यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो इसे भी माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, कि माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर तो होगा, और माइनस इंटू माइनस भी प्लस बन जाएगा, जिसे हम ने माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब निकलेगा हमारा 2x स्क्वायर 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4, ये भी ठीक है, हमने ये भी जान लिया। अब क्या करेंगे, इसे ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 5x, यहाँ पर है प्लस और यहाँ भी है प्लस, तो ये जुड़ जाएगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, और साइन फ्रॉम द ग्रेटर नंबर इज प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और हमने आंसर निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ एक्स बचा है, तो हम लिखेंगे क्यू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 2, और आर एक्स इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 10, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपने समझा होगा, यू कैन कॉपी दिस वन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मायाजाल, ये क्या है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलीनोमियल बाय फर्स्ट पॉलीनोमियल। अब इस लंबे से स्टेटमेंट को समझकर हमें क्या याद है, कि ये है हमारा फर्स्ट पॉलीनोमियल, ये है हमारा सेकंड पॉलीनोमियल, तो हमें इस फर्स्ट पॉलीनोमियल से इस सेकंड पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है, और देखना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कैसे आएगा, अगर वो फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा, अगर फैक्टर ही नहीं तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, तो उसे ही चेक करना है हमें, तो हम चेक कर लेंगे। तो हमें ये नहीं दिया होता तो भी हम वैसे ही इसको ही इसी से डिवाइड करते, क्योंकि बड़ा को छोटे से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर उतार लेंगे इसे,
फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, और हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन से। ठीक है, हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हमें बनाना है एक्स टू पावर फोर। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स टू द पावर फोर आएगा। तो एक्स टू द फोर तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा एक्स टू द पावर फोर। अब यहाँ पर थ्री भी है, तो थ्री बनाने के लिए थ्री एक्स स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर से हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया है। तो आप लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री एक्स टू द पावर फोर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, और थ्री इंटू थ्री होता है हमारा नाइन। तो यहाँ पर नाइन भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस है, तो प्लस ही रहेंगे यहाँ पर। अब थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वन करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ये भी बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस होगा, ये प्लस है यहाँ भी माइनस होगा, और ये प्लस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब इसे कट कर लेंगे क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। तो हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा फोर एक्स क्यूब, और साइन फ्रॉम द ग्रेटर नंबर इज माइनस, क्योंकि इसे तो हमने चेंज कर लिया था माइनस से, तो ये है हमारा माइनस। ठीक है, ये बेसिक बातें हमने क्लास नाइन में भी सीखा है, हम सिर्फ इसे ब्रॉड में अभी कर रहे हैं। आप लोग को कॉन्सेप्ट किसी का हिला होगा, इसके लिए मैं इसे डिटेल में समझा रहा हूँ कि इसे क्या करके क्या मल्टीप्लाई करना है, मैं इसीलिए उन्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस होगा ऐड होगा, तो सेवन इन सेवन प्लस थ्री होता है हमारा टेन एक्स स्क्वायर, साइन फ्रॉम द ग्रेटर नंबर इज माइनस, सब माइनस लिख लेंगे। अब सब वैसे का वैसा ही टू एक्स प्लस टू हमने लिख लिया। अब क्या करना है, हमें अब एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करना है किसी के साथ, और बनाना है हमें एक्स क्यूब। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक्स के साथ, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हमने देखा माइनस फोर है, तो हम ऑब्वियसली माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये आएगा। हमें तो ये इसे कैंसिल करवाना है, इसीलिए हम इसको डिटो ऐसा ही बनाना पड़ता है। तो 4x into x square हो जाएगा हमारा माइनस फोर एक्स क्यूब, ये हो गया। 4 थ्री जा हो जाएगा हमारा 12, तो 12 x square भी लिख लेंगे यहाँ पर, x into x x square हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा ये साइन, ये भी लिख लिया। अब 4x into 1 हो जाएगा हमारा माइनस फोर एक्स, ये भी हो गया। अब माइनस है तो इसे प्लस लिखना है, और हमने मल्टीप्लाई किया इसे माइनस फोर एक्स से, ये भी लिखना है। अब कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो प्लस, तो ये तो सीधे कट हो जाएगा, और यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ भी होगा प्लस, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये टू एक्स स्क्वायर बचा, और साइन फ्रॉम द ग्रेटर नंबर इज प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत थी। तो अब प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस करना होगा, तो ये सिक्स एक्स हो जाएगा प्लस साइन फॉर ग्रेटर नंबर इज प्लस प्लस टू। तो ठीक है, हमने ये कर लिया। तो मैं इसे देखकर बता देता हूँ कि ये फैक्टर होगा, क्योंकि तो मुझे दिख चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो अब हमें एक्स स्क्वायर को बनाना है टू एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को तो चेंज ही नहीं करना है क्योंकि एक्स स्क्वायर ही है, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा टू से। तो कर लेंगे टू इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा टू एक्स स्क्वायर, टू थ्री जा हो जाएगा हमारा प्लस सिक्स एक्स, और टू इंटू वन होता है हमारा टू, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और जीरो आ गया।
जीरो आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, यस जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, और हम क्या लिख सकते हैं इसे, यस द फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन में दिया था द फर्स्ट पॉलीनोमियल, पॉली लिख देता हूं, पॉलीनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलीनोमियल, इसे ऐसे लिखेंगे। आई होप आपने इसे बारीकी से समझा होगा। तो अब आएंगे हम द मेन क्वेश्चन, ये अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आता है बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का, और वो जरूर आता है। देखेंगे पहले इसे आप कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हमारा बेस्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में लिख लीजिए, आप कहीं भी लिख लीजिए, गारंटी है ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ये इसे हम मार्क कर लेंगे स्टार मार्कर, और ये है हमारा 4 मार्कर क्वेश्चन। स्पेलिंग भी क्या होता है, मार्क्स का स्पेलिंग एम आर के एस, ठीक है, ये होता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 4 कभी कभी बोर्ड एग्जाम कंजूसी करते है मार्क्स देने में, तो ये कभी कभी आ सकता है 3 मार्क्स का, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। आपको इसे बारीकी से समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जरूर डाल दूंगा इसका। तो हमें क्या लिखना है, ऑब्टेन ऑल जीरोस, तो हमें जीरोस निकालना होगा, ठीक है। 2x to the power 4 अब दिखना है, 2x to the power 4, तो हमें पी एक्स दिया हुआ है 2x to the power 4। अब जब हमने x टू द पावर 4 देख लिया, तो हमारे दिमाग में एक आंसर तो बिट गया कि इस पॉलीनोमियल्स के कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस, क्योंकि डिग्री जितने होते हैं उतना ही जीरोस पॉलीनोमियल का होता है। तो ये है हमारा बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जो कि हमने अच्छी तरह से समझा था पहले लेक्चर में क्या होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब देख लेंगे -3x to the power 3 -3x to the power 2 +6x -2, ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा पी एक्स है, ठीक है। अब देखना है इफ यू नो दैट, अब हमें पता है, तो पता क्या है, गिवन क्या है हमारा, 2 of the zeros are √2 and -√2, तो हमें 2 जीरोस तो दिया हुआ है, हमें सिर्फ निकालना है 2 जीरोस को, तो हमें 2 जीरोस दिया हुआ है, हम 2 जीरोस निकालेंगे और 4 जीरोस हो जाएगा, फिर ये पॉलीनोमियल्स का सारा जीरोस निकल चुका होगा हमारे सामने, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारा, 2 जीरोस ऑफ पी एक्स, जो कि है √2 और -√2, तो ठीक है, आपको ये समझना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या ये किसे आया होगा, ऐसे ही तो आया होगा, x = √2, ये है, यही है, और दूसरा है हमारा x = -√2, यही तो होगा, ये दो एक्स, तो ये दो जीरो से और x का वैल्यू ये √2 डालने से ये पॉलीनोमियल जीरो बन जाएगा, हमें ये गारंटी है। आप चेक करके देख सकते हैं कि -√2 अगर यहाँ पर डालेंगे x में तो ये जीरो बन जाएगा, √2 भी डालेंगे तो भी जीरो बन जाएगा। अब हमें 2 जीरोस और निकालने हैं जो कि इसे जीरो बना सकते हैं, x का वैल्यू 2 हमें ढूंढना है जिससे इस पॉलीनोमियल जीरो बन जाएगा। तो ठीक है, हमने ये देख लिया, अब इसे क्या होगा, x -√2 = 0, ये भी सही जा रहा हूँ, x -√2 = 0, ये सही तो आया होगा, ये √2 नहीं आ गया तो यही तो ये बना होगा, ठीक है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं x+√2 = 0, क्योंकि ये -√2 इधर है, तो इधर आने के वक्त ये +√2 बन जाएगा = 0, तो ठीक है, हमें ये और ये मिल गया। अब हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अगर इन दोनों जीरोस को हमने मल्टीप्लाई कर लिया
तो हमें क्या मिलेगा, हमें वो देखना है। ठीक है, x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, इसे हम अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखते हैं, x माइनस रूट टू है, x प्लस रूट टू है, ये तो ऐसे ऐसे दिख रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी जैसा दिख रहा है, a माइनस इधर आए या a प्लस इधर जाए, सेम ही बात है। तो इसका हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें पता है। तो इसे वैसे ही लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर, ये है एक प्रॉपर्टी जो आपने क्लास 9 में सीखा है, हमने इसे यूज कर लिया है। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत अभी नहीं है, तो हमने इसे यूज भी कर लिया। अब ये क्या बन जाएगा हमें वो देखना है, x इंटू स्क्वायर, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं रूट टू स्क्वायर, रूट टू स्क्वायर का मतलब है रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू होता है हमारा टू, तो हमें ये जानना है माइनस टू हो जाएगा। तो ठीक है, हमने ये भी निकाल दिया, हमने जी एक्स निकाल दिया। हंसते हंसते हमने इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस की मदद से हमने जी एक्स निकाल दिया, हमारा पी एक्स यहीं पर है तो हम क्यू एक्स तो निकाल ही सकते हैं, तो क्यू एक्स भी निकालेंगे। ये हमारा है जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो हमें जी एक्स मिल गया। अब क्या करेंगे, यहां पर रख के इसे डिवाइड कर देंगे, टू एक्स टू द पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। इसे बारीकी से समझना होगा आपको, क्योंकि ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहां से आगे तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि मैं तो कर नहीं आया हूं, तो मैं कर लूंगा माइनस टू, तो यही है। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करे, किससे मल्टीप्लाई करे कि ये एक्स टू एक्स टू द पावर फोर बन जाएगा। तो पहले एक्स का खेली खत्म कर देते हैं, एक्स इंटू एक्स 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 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा, और यहाँ पर टू चाहिए हमें, तो इसे इंटू टू कर देंगे, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है टू एक्स स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा अब हमें देखना है। ये हो जाएगा टू एक्स टू द पावर फोर, अब टू एक्स इंटू टू, टू टू जा फोर, तो माइनस फोर एक्स, अब स्क्वायर आ रहा है तो इसीलिए मैंने स्क्वायर के कॉलम में से लिखा है। अब कर लेंगे इसे माइनस, ये हो जाएगा कट, और ये प्लस हो जाएगा, तो इसे अब नीचे उतार लेंगे, अब माइनस इंटू प्लस हो जाएगा हमारा माइनस, तो एक्स स्क्वायर, अब साइन फ्रंट ब्रैकेट नंबर इज प्लस प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हम जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस थ्री एक्स क्यूब बन जाएगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा एक्स के साथ, ये एक्स क्यूब बन जाएगा, और माइनस थ्री बनाने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा माइनस थ्री के साथ, तो माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस थ्री एक्स क्यूब, थ्री टू जा हमारा सिक्स, सिक्स एक्स, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये भी हमने कर लिया। अब यहां पर माइनस है तो ये प्लस, यहां पर प्लस है तो ये माइनस, ये भी कटा, ये भी कटा, कट गया। अब क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू बच जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस टू ही है हमें हमारा क्वेश्चन, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे वन से, और यहां भी लिख लेंगे हम माइनस थ्री एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू, जो कि हमारा जीरो रिमाइंडर दे देगा। तो ठीक है, ये रिमाइंडर जीरो आना ही चाहिए। अब इसके बाद और एक चीज करना होगा, फिर हम दो जीरोस के बीच में पहुंच जाएंगे, तो हम यहीं पर कर लेते हैं,
और इसे खत्म ही कर देंगे इसी बोर्ड में, इसी स्पेस में हम इसे खत्म भी कर लेंगे। तो ठीक है, हम इसे यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ। और ये पहले आप ये लिख लीजिएगा वन, ये दो नंबर का, ये दो नंबर है। अब तीन नंबर थर्ड स्टेप हम यहाँ पर देखेंगे, तो हम इस क्यू एक्स को अब यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्यू एक्स को हमने यहाँ लिखा 3x+1। तो अब इसे क्या कर सकते हैं, ये तो जाना पहचाना से लग रहा है, इसे हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हम इसे स्प्लिट कर देंगे। तब x का दो वैल्यूज आएगा और वही होगा हमारा दो जीरोस जो कि हमें चाहिए है। तब पहले इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आता तो मैथमेटिक्स बेसिक्स 2 देख लीजिए, वहां पर आप मैंने बारीकी से आपको समझाया है कैसे हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो अब हमें देखना है a और b को मल्टीप्लाई करने से 2 आ रहा है, और a प्लस बी या a माइनस बी करने के बाद हमारा आंसर होना चाहिए जो कि है 3। ये हमें ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं हम देख लेंगे, जो कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके करते हैं। 2 × 1 = 2 और 1 × 1 = 1, तो 2 ही है, और 2 × 1 = 2 भी होता है, और 2 + 1 = 3 भी आता है। तो हमने दो ए बी भी जान लिया। तो अब क्या करेंगे, 2x² माइनस को वैसे का वैसा, x को वैसे का वैसा ही लिखेंगे। अब हम दो नंबर्स डालेंगे, वो दो नंबर्स क्या है, 2 + 1। ये हमारा स्प्लिट, हमने 3 को स्प्लिट कर लिया 2 + 1 में। अब करेंगे 2x² −2 − 2 और x, पीछे का x भी लिख लेंगे, −2 + −1 x + 1, यही तो हमें लिखना है। अब यहाँ पर कॉमन भी दिख रहा है, तो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो x − 1 लिख लेंगे यहाँ पर, ये हमें पता है। अब यहाँ भी वही होना चाहिए x − 1। तो x − 1 के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ तो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से माइनस इंटू माइनस प्लस भी दे देगा, और ये तो सेम का सेम ही दिख रहा है, तो 1। तो −1x = −1x और −−1 = +, और 1 × 1 = 1, ये भी हमें पता है। तो अब क्या करेंगे, 2x − 1 को 1 में लिख लेंगे और x − 1 को 1 में लिख लेंगे। इधर 2x − 1 = 0 या फिर x − 1 = 0, तो x का वैल्यू आ गया 1/2 और दूसरा x का वैल्यू आ गया 1। तो ये हमारा दो जीरोस, और हमें दो जीरोस गिवन भी थे 2 और −√2, तो हमने दो जीरोस भी निकाल लिए और हमने इसे सॉल्व भी कर लिया। तो अब यहाँ पर एंडिंग यहाँ पर कर लूंगा मैं, एंडिंग के लिए यहाँ पर 4 नंबर लगा देता हूँ। तो जीरोस ऑफ px आर, तो क्या क्या जीरोस है हमारे, √2, ये तो पहले का है, −√2, तो हमने क्या निकाल दिया, 1/2, 1/2 भी इसका रूट है, रूट नहीं जीरो है, और 1 भी है। तो हमारा 4 ही जीरोस हमने निकाल दिए, क्योंकि इसका इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 था, तो इसका 4 जीरोस होगा। तो इसे ऐसे करते हैं, और आपने ऐसे कर दिया तो आपका बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स कोई भी ले जा नहीं सकता। आपको ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलर मिल जाएगा 2.3 में, एक्सरसाइज 2.3 में, तो आप उसमें भी जाकर इसे एक बार सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कॉपी कर सकते हैं इसे। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये हमें ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैथ क्लास चल रहा है अजीब मजाक था, लेकिन ये मजाक ही था। ऑन डिवाइडिंग px = ये कुछ लिखा है बाय अ पॉलिनोमियल gx,
ये पता है the qx and rx where x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively find gx. तो हमें दिया है px, हमें दिया है qx, हमें दिया हुआ है rx, हमें ढूंढना है gx. तो हमें सिंपल वर्ड्स में हमें दिया है डिविडेंड, हमें दिया है क्वेश्चन, हमें दिया है रिमाइंडर, तो हमें निकालना है हमारा डिवाइजर. तो हम कैसे निकालेंगे? और यहाँ पर रेस्पेक्टिवली है, इसका मतलब ये क्यू एक्स यही है और आर एक्स यही है. ठीक है, मैंने रेस्पेक्टिवली का मीनिंग समझाया था पॉलिनोमियल्स पार्ट 3 में, वो भी आपने देखा होगा, तभी तो आपने यहाँ पर आए. अब देखेंगे तो हमें पता है एक रिलेशन, क्या है वो रिलेशन, पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये हमें पता है. तो यही पता होने से, यही पता होने से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा. तो ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे. पी एक्स क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 2 है हमारा पी एक्स, और हमें ढूंढना है जी एक्स. तो हम लिखेंगे यहाँ पर जी एक्स को ही ढूंढना है, इनटू जो हमारा क्यू एक्स है वो है एक्स माइनस 2, ये हमारा क्यू एक्स, और हमारा आर एक्स है यहाँ पर माइनस 2x प्लस 4, ये हमारा आर एक्स. तो ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे. पहले इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का सॉल्व कर देंगे, तो जी एक्स इंटू ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4, ये ब्रैकेट को खोल देता हूं, ये हो जाएगा जी एक्स. अब यहां पर इंटू x और x लाइक टर्म, ये और ये लाइक टर्म है, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें माइनस कर सकते हैं. माइनस करते समय 2x प्लस x करेंगे तो हमें मिल जाएगा x, ये है हमारा x, ये है, और 4 माइनस 2 करते समय हमें मिलेगा प्लस 2. तो हमने लाइक टर्म को जोड़ा जो किया और हमने निकाला है ये. तो आप लिखेंगे x, यहां भी साइड लीजिएगा यही x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को नहीं पढ़ लिख लेंगे. अब जी एक्स क्या होगा, तो जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, तो हमें ये मिला है. तो हमें इससे इसको डिवाइड करना है, तो हमारा जी एक्स हमें मिल जाएगा. तो हमें यहां पर डिवाइड भी कर लेंगे बारीकी से, क्या है इसमें डिवाइड करने में, कुछ भी नहीं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को हमें डिवाइड करना है x प्लस 2 से. तो क्या करेंगे, x प्लस 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर. तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x क्यूब भी बन जाएगा, और x स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा हमारा प्लस 2x स्क्वायर. तो ये है हमारा माइनस, ये भी होगा हमारा माइनस, तो ये और ये कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, अब माइनस 5x स्क्वायर ये बन जाएगा. आई होप आप लोग क्लियर होंगे इसमें, क्योंकि मैंने ये बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन किए इसके ऊपर, तो मैं अब सीधे लिख लूंगा प्लस x प्लस 2 ये होगा. अब x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करे ये 5x स्क्वायर बन जाएगा. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ x से, और माइनस 5 चाहिए तो इसे माइनस 5x से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे. यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस 2 इंटू माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5x स्क्वायर. तो यही लिखना है हमें, 5 इंटू 2 10, तो माइनस 10x ये भी लिखना है हमें. ठीक है, हमें ये भी लिखना है. अब यहाँ पर क्या हो सकता है हम वो देखेंगे, इसमें क्या हो सकता है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ बचेगा हमारा ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 11x प्लस 2, यही बचेगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ रॉन्ग हुआ है क्योंकि यहाँ पर मुझे रॉन्ग हुआ होगा तो ही यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है। तो क्या रॉन्ग हुआ है हम यहाँ पर देख सकते हैं। रुकिए, तो यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक किया है कि यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पर 6x ये था हमारा, क्या था क्वेश्चन में देख लूंगा, ये था हमारा यहाँ पर ये था 3x² और यहाँ पर भी था वही, तो x² माइनस 3x ये था हमारा क्वेश्चन में, और यहाँ पर था x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4, ये भी सही था। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे फिर से एक बार, क्या आ सकता है हम फिर से देखेंगे। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है तो सब अच्छा भी रॉन्ग हो गया था। तो px इज इक्वल्स टू gx इनटू qx प्लस आर एक्स, ये हमें पता है। तो पी एक्स हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू जी एक्स हमें निकालना है क्या है, इनटू यहाँ पर दिया हुआ है जो क्यू एक्स है वो है एक्स माइनस 2 और जो आर एक्स हमें दिया हुआ है वो है माइनस माइनस 2x प्लस 4 लिखेंगे इसे 3x² प्लस x प्लस 2 को और gx को भी लिख लेंगे यहीं पर। यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस 2 ये भी हो जाएगा और प्लस माइनस 2x प्लस 4 ये हो जाएगा। इतना कॉपी कर लीजिए पहले, तो थोड़ी देर पहले एक मिस्टेक हो गया मेरे से, मिस्टेक्स तो सबके होते हैं, मेरा भी हो गया। तो क्या कर सकते थे, हमने इसे और इसे डायरेक्ट से हमने ऐड कर दिया था जो कि एकदम गलत था, मुझे वैसा स्टेप नहीं लेना चाहिए था। तो अब हम नया स्टेप लेंगे, क्या नया स्टेप लेंगे हम देख लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को यहीं पर रखेंगे। अब ये प्लस इधर आते समय ये हो जाएगा माइनस और ब्रैकेट का अंदर का तो सेम ही होता है, 2x प्लस 4 लिख लेंगे इसे और इज इक्वल्स टू gx इनटू x माइनस 2 ये ऐसे करेंगे इसे। सॉरी मैंने एक गलती किया था जो जिसने इस पॉलिनोमियल्स का मूड ही खराब कर दिया, मेरा भी आपका भी, लेकिन गलती से ही हम सीखते हैं, तो आज हमने सीख लिया है। अब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, अब यह माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2x माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 4 यह हो जाएगा इक्वल्स टू यही का कॉपी कर लेंगे। तो अब इसे हम देखेंगे तो एक्स क्यूब का वैसा एक्स स्क्वायर भी नहीं है ऐसे का वैसा ही। अब प्लस एक्स तो ये हो जाएगा प्लस 3x ये हो गया। अब इसे माइनस करते समय ये हो जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू gx, जी एक्स हो गया और ये gx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसे हम नीचे लेकर आएंगे ये हो जाएगा x माइनस 2। तो इसे हम अब यहाँ पर बारीकी से इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या हो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 2 को हमें डिवाइड करना होता है x माइनस 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x² हो जाएगा हमारा x क्यूब, ये लिख लेंगे हम x² तो ये हो जाएगा x क्यूब, 2 इंटू x हो जाएगा हमारा माइनस 2x² तो अब इसे ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और इसे हम कैंसिल कर लेंगे
और यहाँ पर लिख लेंगे x स्क्वायर और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस, तो माइनस लिख लेंगे, प्लस 3x प्लस 2 को लिख लेंगे। तो वैसे ही अब इसे माइनस x बनाना है, तो इसे हम माइनस x के बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस x, ये माइनस x होते समय ये माइनस x स्क्वायर बन जाएगा और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 2x, ये भी हो गया। अब इसे ये प्लस कर लेंगे, इसे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा x, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज प्लस, इसे प्लस ही लिखेंगे, प्लस 2, यही कुछ हमें चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, इसे हम इसे अब माइनस कर लेंगे, तो माइनस करते समय ये बन जाएगा प्लस 1, इसे हम अगर माइनस कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस 2, अब इसे हम दे देंगे 0, तो हमें gx मिल गया। gx क्या है हमारा, gx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारा gx। अब यहाँ पर साइन मिस्टेक कर लिया था मैंने, तो साइन भी मिस्टेक कर लिया होगा, तो आप वो देख रहे होंगे, तो आप सोच रहे थे होंगे कि इन्होंने प्लस की जगह माइनस लिखकर आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मैं आगे से ही जान चुका था कि मैंने प्लस की प्लस और माइनस में गलती किया है। तो ये हो जाएगा और हमें जी एक्स भी मिल गया है, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन। तो आज का क्लास एकदम भन्नाट तरीके से हमने क्वेश्चन के साथ खत्म किया है, तो आई होप आपने इस क्लास का आनंद उठाया होगा। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, सबको हंसाते रहिए और मैथ्स प्रैक्टिस करते रहिए। और एक बात, हमने पॉलीनोमियल्स को एकदम बारीकी से 4 लेक्चर में कंबाइन कर खत्म किया है, तो ये है हमारा डिलीवरी प्रोसेस। जैसे हमने रियल नंबर्स को 4 ही लेक्चर में खत्म किया था, वैसे ही हमने पॉलीनोमियल्स को भी 4 ही लेक्चर में खत्म कर लिया। तो इसी के साथ मैं आपके साथ आज विदाई लेता हूँ। हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए। ओके बाय।